रंगदारी नहीं देने पर व्यापारियों पर जानलेवा हमला करने वाले खूनखार बदमाश अरशद उर्फ बब्बा के घर को प्रशासन तोड़ दिया। रविवार सुबह पहुंची प्रशासन की टीम ने उसके घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। अरशद शातिर बदमाश है, उसके खिलाफ 32 संगीन अपराध हैं। हाल ही में वह जिला बदर उल्लंघन के मामले में जेल से रिहा हुआ था। इसके बाद काजी कैंप वाफना कॉलोनी में रंगदारी नहीं देने पर दो व्यापारियों पर उसने अपने गैंग के 6 साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक व्यापारी की उंगली कट गई। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे अरशद बब्बा, अनस दाना, वाहिद दारू, बड़ा कल्लू, दानिश और तंजीम दुकान पर आकर चाय पी। चाय पीने के बाद आरोपी चाकू, कट्टा और छुरी दिखाकर धमकी देने लगे कि अगर इलाके में दुकान चलानी है तो 500 रुपये रोज या 5000 महीना देना होगा। इस पर शादाब ने बोला कि दुकान वसीम भाई की है, मैं तो सिर्फ काउंटर संभालता हूँ, उनसे बात कर लो। इस बात से गुस्साए बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। शादाब घटना से काफी घबरा गया और दुकान बंद करके अपने घर चला गया। शनिवार सुबह करीब 6 बजे वसीम भाई दुकान पर पहुंचे। तभी बदमाश फिर आधमके और रंगदारी की मांग करने लगे। जब वसीम ने इसका विरोध किया तो अरशद बब्बा का साथ अनस दाना ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वसीम भाई की उंगली कटकर अलग हो गई। मौके से आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने गौतम नगर और निषादपुरा में भी फायर करके दहशत फैलाई थी। पुलिस ने जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर अरशद का अवैध निर्माण को तोड़ दिया। रियाल शॉट घायल शासन की निरंतर कार्रवाइयाँ जो है जारी हैं। यहाँ पर शादी के क्षेत्र में स्थित अरशद बाबा नामक अपराधी, जिनके ऊपर पुलिस के अंदर जो है कई प्रकरण जो है दर्ज हैं, यहाँ पर उनका मकान का जो है अवैध निर्माण का मामला है, जो उनका निवास था उसको जो है आज जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को सहयोग लेकर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उसके लगभग 3 दर्जन अपराध हैं, उसमें से लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा बहुत ही गंभीर अपराध हैं। अभी 2022 से 2023 के बीच में भी आधा दर्जन गंभीर अपराध किए हुए हैं। अभी लेटेस्ट में उसके तहत 4-5 वारदातें की गई हैं। हमारे इधर का निगरानी बदमाश है, उसका जिला बदर भी है और वो यहीं काजी कैंप क्षेत्र में उसका निवास है। तो उस पर से नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमों के द्वारा अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया है, उस पर से कार्रवाई की जा रही है। बाकी पुलिस की कार्रवाई जारी है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और जेल दाखिल किया जाएगा।